करनाल पुलिस ने नशे के तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो तस्करों को काबू किया है। तस्करों से कुल 45,800 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काम करता है। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि आरोपी द्वारा अनिल निवासी गांव अरडाणा से नशे की गोलियां खरीदी गई थी, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अनिल को भी गांव अरडाणा से 6,000 नशे की गोलियों सहित काबू कर लिया था। अब आरोपी अनिल को भी अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। इस दौरान नशे के कारोबार से संबंधित चैन का पता लगाकर मामले का खुलासा किया जाएगा। बताते चले हैं कि एंटी नारकोटिक सेल करनाल इंचार्ज निरीक्षक मोहनलाल व उनकी टीम को सूचना मिली थी कि परगट सिंह निवासी डेरा फत्तूवाला असंध से नशे की गोलियां बेचने का अवैध कारोबार करता है, जो आज भी काफ़ी मात्रा में नशे की गोलियां लेकर आया है। आरोपी ने यह गोलियां अपने घर पर छुपा रखी हुई हैं, जिस पर उप निरीक्षक सुभाष एंटी नारकोटिक सेल करनाल की अध्यक्षता में टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारा। इस दौरान ट्रामाडोल नशे की गोलियों की 4 पेटियां बरामद की गई। गोलियों की गिनती करने पर कुल 39,800 गोलियां पाई गई। गोलियों का वजन करने पर 12.996 किलोग्राम पाया गया। आरोपी को मौका से गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं सिविल लाइन से। नारकोटिक स्टाफ द्वारा नशे की बड़ी खेप को पकड़ा है और 2 आरोपियों को पकड़ा है। अब परगट सिंह है, ये लड़का परगट सिंह सनोपजीत सिंह डेरा गुजरातिया के जो असंध में पड़ता है, इसके घर से पहले हमने 4 पेटियां दवाइयों की पकड़ी थी, जिसमें 39,800 गोलियां थी कुल, और आज फिर इसकी जो फर्दिंग साहब था इसको कोर्ट में पेश किया, इसको पुलिस रिमांड पे हमने लिया है। और इसके बाद हमने एक और जिसके पास से ये गोलियां लेके आया था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। यह अनिल सनोप राम कुमार अरडाणा गांव से, बाजार में क्या, और इसके पास से भी हमने 6,000 गोलियां और बरामद की हैं। तो अब ये टोटल करीब 46,000 गोलियां हैं। कितनी कीमत है बाजार में? बाजार में जो ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके अनुसार करीब इनकी 18-19 लाख रुपए। सर, युवाओं को ज्यादातर सप्लाई होती थी ये गोलियां? बिल्कुल, ये युवाओं को सप्लाई होती हैं रात के अंधेरे में, जैसे सुबह जब ये डिलीवरी हुई है इनकी करीब 4 बजे सुबह, वो बंदा डिलीवर करके गया है इसके पास अनिल के पास, अनिल ने फिर आगे इसको दी है इसको लड़के को जो परगट सिंह को। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि परगट सिंह का जो दूसरा भाई है वो भी 40,000 गोलियों के साथ टोहाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये दोनों डेरा गुजरातिया के। तो रिमांड पे लिया जाएगा और भी लोग हो सकते हैं? इनको रिमांड पे लिया है 2 दिन का रिमांड परगट सिंह का लिया है। रिमांड के बाद इससे जो पूछताछ करी है, इसने बताया कि कहाँ से लेके आया था, इसने नाम का खुलासा किया, खुलासे के बाद हमने अनिल पुत्र राम कुमार को गिरफ्तार किया। सर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये गोलियां नहीं दी जाती, तो फैक्ट्री मालिक या जहां बनी होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इससे पता करेंगे कि ये कहां से, पूरी चैन का खुलासा किया जाएगा। अब अनिल के को जो देके गया है उस आदमी का, वो जिससे लेके आया है उसका पूरी जो चैन है पूरा खुलासा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.